नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं कर रहा हूँ पेडागोजी एमसीक्यू स्पेशल सीरीज में। हायर सेकेंडरी का एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पेडागोजी एमसीक्यू स्पेशल सीरीज में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो में जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग से जो एमसीक्यू बन सका है उसके बारे में देखेंगे। क्लास नंबर टू है, क्लास नंबर वन में हम लोग टीचिंग लर्निंग के बारे में जितना भी एमसीक्यू बना था, लगभग 15 एमसीक्यू देखे थे पार्ट नंबर वन में, तो उसका भी लिंक आई बटन पर आ रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। जितना भी मैं डिस्कस करूँगा सब किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 15 एमसीक्यू देखेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, डेवलपमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। डेवलपमेंट कभी ख़त्म नहीं होने वाला प्रोसेस है, ये कौन सा प्रिंसिपल से रिलेटेड है? तो हम लोग जितना भी प्रिंसिपल यहाँ पे है डिस्कस किए थे, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, इंटरेक्शन भी एक प्रिंसिपल टाइप का ही है, और इंटरलेशन मतलब इंटर रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे जो लाइन बोल रहा है नेवर एंडिंग प्रोसेस, ए प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से रिलेट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये बोलता है कि डेवलपमेंट कभी ख़त्म नहीं होता है, नहीं होने वाला प्रोसेस है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। द टर्म प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल वर्ड है, टर्म है, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, किस वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है? तो इसका सही आंसर लैटिन भाषा से ओरिजिनेट हुआ है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग नहीं है? नोट देखिए, नोट लगा दिया है बंडल में। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ भी है, और प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन भी है। प्रिंसिपल ऑफ रीडिंग जो है ऑप्शन नंबर 4 कोई प्रिंसिपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। यहाँ पे गलत आपको बताना था, यहाँ पे देख सकते हैं ये सब प्रिंसिपल है। यहाँ पे 10 प्रिंसिपल, जो भी ये प्रिंसिपल है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पेडागोजी स्पेशल सीरीज में, उसको भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनाई इसी चैनल पे, और ये भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। टोटल 19 प्रिंसिपल हम लोग डिस्कस किए थे जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। एट हायर क्लासेस प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन। हायर क्लासेस में प्लेवे मेथड किस पे बेस होता है? प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग के बेस होता है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। लेकिन लोअर बोलेगा, यहाँ पे लोअर लग जाएगा यदि, तो आपको लगाना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, लेकिन यहाँ हायर लगा है इसीलिए आपको ऑप्शन फोर के साथ जाना होगा, क्योंकि हायर लेवल में प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग पे बेस करके पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। सीमा लर्न एवरी लेसन वेरी क्विकली। एक सीमा नाम का लड़की है, कोई भी लेसन बहुत जल्दी सीख पाती है, लेकिन लीना जो है उसको सीखने में समय लगता है। एक क्या डिनोट करता है, कौन सा डेवलपमेंट प्रिंसिपल डिनोट करता है? तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस प्रिंसिपल डिनोट करता है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति का सीखने का लर्निंग स्टाइल अलग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। राजेश एक बहुत आतुर लड़का है रीडिंग करने में। रीडिंग के साथ साथ वो अलग भी बुक पढ़ता है, लाइब्रेरी में जाता है, बुक पढ़ता है, अलग टॉपिक का बुक पढ़ता है। पर राजेश डज नॉट प्रोजेक्ट इवन इन लंच ब्रेक में भी बाहर नहीं जाता है। ही डज नॉट नीड प्रॉम्प्टिंग बाय द टीचर्स और पेरेंट्स टू स्टडी टेस्ट। किसी का मतलब ज़रूरत नहीं समझता है, किसी कोई मोटिवेट नहीं करता उसको पढ़ने के लिए, खुद ही ऐसा करता है। यानी क्लास में पढ़ने के दौरान भी वो एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ते रहता है जब भी उसको टाइम मिलता है। ऐसा क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसके अंदर इंटरनल मोटिवेशन है। तो हम लोग डिस्कस किए थे मोटिवेशन प्रिंसिपल में इंटरनल मोटिवेशन जो कि अंदर से आता है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राजेश के पास है, इसलिए वो ऐसा कर पा रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 6 पे चलेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। आपको सबसे अप्रोप्रिएट बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन है, चिल्ड्रेन डेज फास्टर व्हेन दे आर इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी दैट सीम टू बी। तो कौन सा चिल्ड्रेन क्या करते हैं? सीखते जल्दी है, भूलते नहीं, ऑप्शन 1 नहीं होगा। रिकॉल भी नहीं करते, मेमोराइज तो करते नहीं बच्चा लोग। तो चिल्ड्रेन लर्न क्या करते हैं? लर्न फास्टर व्हेन दे इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी दैट सीम टू बी रियल लाइफ। एक देखे थे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में कि रियल लाइफ में भी एक प्रिंसिपल था, तो वही यहाँ पे होगा। यहाँ पे ऑप्शन 4 होगा, चिल्ड्रेन लर्न फास्टर व्हेन दे इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी दैट सीम टू बी यूजफुल इन द रियल लाइफ, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल कौन सा नहीं है? डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट मॉडिफाई भी हो सकता है, और इस पर दोनों ही का प्रभाव पड़ता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ये भी बात सही है, लेकिन इन्वर्सल नहीं है, हमेशा एक जैसा होगा ये भी नहीं बोल सकते हैं, और इसका इन्फ्लुएंस नहीं होता है कल्चर का, ये भी गलत बात है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे देना आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे नोट पूछा था। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। आपको बताना है फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसको कहा जाता है, तो जॉन डेवी यहाँ पे सही है। ठीक है, बाकी ऑप्शन जो दिया है उसको भी आप नेट में सर्च करके देख सकते हैं, कोई ना कोई यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन बताना था, उसका सही आंसर है जॉन डेवी। आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सेफलेक ऑर्डर प्रिंसिपल जो है
इसमें क्या होता है आपको बताना है। सेफलोकोडल में डेवलपमेंट कहाँ से होता है? हेड से लेकर टो तक होता है। और प्रॉक्सिमल डिस्टल में कहाँ से होता है? सेंटर टू आउटवर्ड। तो यहाँ पर सेफलोकोडल पूछा था, उसीलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, आगे 10 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। यहाँ पे आपको मैच करना, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉक्सिमो डिस्टल से किसके साथ होगा, सेफलोकोडल किससे होगा, इंटर इंडिविजुअल हम लोग डिस्कस किए थे और इंट्रा दोनों दिया है। तो मैच करा, देखिए सेफलोकोडल होता है हेड से टो, तो बी होगा 3 के साथ। प्रॉक्सिमो डिस्टल कहाँ से होता है? सेंटर से लेकर आउट तक, आउटसाइड हो गया। उसके बाद इंटर इंडिविजुअल TER जो है ये वाला किसके साथ होता है? इसमें क्या होता है? डेवलपमेंट डिफरेंट चिल्ड्रेन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, अलग अलग बच्चा अलग अलग रेट से डेवलप करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। देख लेते हैं, ए का 4, बी का 2 और सी का 1, यानी डायरेक्टली एक नहीं लगाएंगे तभी भी आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ चले जा सकते हैं। जो इंट्रा है वो किसके साथ जाएगा? 3 नंबर। यहाँ पे क्या होता है? सिंगल चाइल्ड में अलग अलग टाइप का डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही है। इस तरह क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है कभी कभी। टर्म प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? ट्रूथ होता है, जनरल लॉ होता है, रूल होता है। तो प्रिंसिपल का मतलब सभी होता है। ठीक है, ट्रूथ लॉ या फिर जनरल लॉ जो भी है बोलते हैं, सब इसका मतलब होता है प्रिंसिपल। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ जाता है? जनरल से स्पेसिफिक जाता है, ये भी पढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। डेवलपमेंट हमेशा जनरल से स्पेसिफिक होता है। ठीक है, और हम लोग टीचिंग भी करते हैं जो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट या फिर इंडक्टिव से डिडक्टिव, वो भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। आगे, हुई इज द फादर ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी? डेवलपमेंट साइकोलॉजी का फादर कौन है? स्टैनली हॉल जो है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है पेस्टोलॉजी किसका फादर है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है पेस्टोलॉजी किसका फादर है। क्वेश्चन नंबर 14 में चलेंगे। द फर्स्ट पर्सन हु डेवलप प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग, प्ले वे मेथड एक प्रिंसिपल भी है। तो प्ले वे मेथड पहली बार कौन डेवलप किया था ये आपको बताना है। तो फ्रोबेल जो है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा आज का। मॉडर्न एजुकेशन इज सेंटर अराउंड, मॉडर्न एजुकेशन किस पे सेंटर होता है? चिल्ड्रेन पे सेंटर होता है, यानी लर्नर पे सेंटर होता है, लर्नर सेंटर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। तो इस प्रकार 15 MCQ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इससे ज़्यादा MCQ नहीं बन पाता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन मैक्सिमम जो आप टीचिंग वहाँ से बहुत ज़्यादा पूछता है। फिर भी हम लोग जितना हो सके इस पर देखेंगे क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखे हैं। अगले वीडियो में हम लोग मैक्सिमम ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।